कोरोना संकट के दौर में चित्रकूट की खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच करने के आदेश दिए हैं। फरार विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद के होटल में छापामारी, धरा गया दोस्त। सूत्रों के मुताबिक वहीं छिपा था गैंगस्टर। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे के छिपे होने का इनपुट मिला था। उसी के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने वहां रेड की, लेकिन वहां विकास दुबे नहीं मिला। मगर फरीदाबाद पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आशंका है कि वहां विकास दुबे भी मौजूद था। खबर के बाद UPSTF की एक टीम फरीदाबाद रवाना हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,134 नए मामले दर्ज, मृतकों की संख्या बढ़कर 9,250 हुई। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार मंगलवार को कोरोना के 5,134 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 2,17,121 हो गए। राज्य में मंगलवार को 224 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 9,250 पहुंच गई, जबकि कुल 89,294 मामले सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामले 86,509 मुंबई, 50,829 ठाणे और 30,131 पुणे में दर्ज हुए हैं। अब सिर्फ लक्षण के आधार पर मुंबई में टेस्ट की इजाजत भी मिल गई है। बिहार में आज भी आसमान से बरसी मौत, बिजली गिरने से 5 जिलों में 7 लोगों की मौत। सिर्फ जुलाई में 50 से ज्यादा ने गवाई जान। मंगलवार शाम हुई बारिश के साथ गिरी बिजली ने 7 लोगों की जान ले ली। इस घटना में बेगूसराय में 3, भागलपुर, मुंगेर, कैमूर और जमुई जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। आखिरी विकल्प के तौर पर ही विदेश में होगा IPL का आयोजन। BCCI कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने कहा कि आखिरी विकल्प के तौर पर ही IPL को विदेश में आयोजित कराने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें पहले भारत पर विचार करना होगा, फिर विदेशों के बारे में सोचना होगा। श्रीलंका और UAE ने आयोजन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। IPL गवर्निंग काउंसिल की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी।